गोविंद, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जीजी माँ, मतलब तुम्हारी बड़ी माँ, तुम्हारे नामकरण पर आई, तुम्हें आशीर्वाद दिया और तुम्हारे कानों में नाम भी बोला। और ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाई है, देखो देखो। ओहो, एक मिनट, नियति बेटा, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। सब अच्छे से संपन्न हो गया ना मॉम? सच कहा तुमने, नामकरण एकदम अच्छे से हो गया। लेकिन तुम्हें दुख तो हो रहा होगा ना, तुम्हारी जीजी माँ नहीं आ पाई। सोच रही होगी अगर वो आती तो नामकरण में रौनक आ जाती। क्या है ना, भगवान सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। अरे नियति बेटा, एक बात तो पूछना भूल ही गई। मैं जब आई ना तो यहाँ जमीन पर छोटे से कंगन थे, कहाँ से लिए? जी मॉम, वो सुनार से लिए होंगे। हाँ हाँ मॉम। कौन से सुनार से? वो नई दुकान से लिए थे ना, तो नाम ही याद नहीं मुझे। लेकिन जगह तो याद होगी। वो क्या है ना बेटा, बहुत प्यारे कंगन है वो। सोच रही थी गोविंद के लिए एक और जोड़ी बना दो। रसीद तो होगी तुम्हारे पास, दे दो। कमाल करती हो बेटा, सुनार का नाम याद नहीं, दुकान कौन सी जगह है वो याद नहीं, रसीद भी नहीं ली। पता है क्यों? क्योंकि ये कंगन तुमने नहीं लिए हैं, तुम्हारी जीजी माँ लाई है गोविंद की। प्लीज मॉम, मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ मॉम, क्या बात? पूछो अपनी बीवी से। ये देखो, ये क्या है? तुम्हारे बच्चे के लिए फाल्गुनी का आशीर्वाद। कब? अपनी बीवी से पूछ कि फाल्गुनी यहाँ नामकरण विधि में शामिल होने के लिए आई थी या नहीं। हो सकता है बच्चे का नाम भी फाल्गुनी ने ही बताया हो, इसीलिए तो अचानक इसे बच्चे का नाम सूझ गया। कितना कुछ कहा, डराया, धमकाया, फिर भी बेशर्मों की तरह चली आई ना नामकरण विधि में शामिल होने। जानते थे इसके बारे में, पर बाकी किसी को कैसे नहीं पता चला? इनका चेहरा ढका हुआ क्यों है? मधुरी नाश्ते नाश्ते मुंह के बल गिर गई, 7 टाके पड़े आंख से लेके नाक तक।
किन्नर मॉम, वो किन्नर जो आए थे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, उनमें से एक का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और उनके जिद करने पर नियति गोविंद को उनके पास लेकर गई थी और तभी नाम सूझा था। कुछ देर के लिए मेरी कार को किन्नरों ने घेर लिया था और बस उसी थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान भटा था, तो शायद उनमें से किसी ने घर का भेदी लंका उठाए। किसी और से क्या कहे जब घरवाली हमें सुकून से जीने नहीं दे रहे। विधान वो कुछ कहने की जरूरत नहीं नहीं थी। जरूरत है विधान, मैं कहूंगी और तुम्हें सुनना होगा। चीची माँ ने एक बार नहीं कई बार मेरी जान बचाई, अपनी जान पर खेल कर तुम्हारी जान बचाई। हमारी खुशी के खातिर इस बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में पाला था उन्होंने। हर एक बच्चे को जन्म देने का दर्द 100 हड्डियों के टूटने बराबर जितना होता है विधान, पर ये दर्द सहन करके उन्होंने हमारे बच्चे को जन्म दिया है विधान। तभी वो हमारे बच्चे को चुराने की कोशिश कर रही है। एक बार नहीं 2 बार किया उन्होंने ऐसा। वो तो मॉम डैड की दुआओं की वजह से हमें हमारा बच्चा मिल गया वापस, और तुम उनकी तरफदारी कर रही हो। अगर तुम्हें यही बातें करनी है ना, तो अच्छा होगा कि हम दोनों बात ही ना करें। मुझे माफ कर दीजिए लड्डू गोपाल, मुझे ये वसीयत के कागजात सुयश से छुपाने होंगे। वैसे ही उनके मन में विधान के लिए कड़वाहट आ गई है। मैं नहीं चाहती कि ये वसीयत के कागजों को देखकर दोनों भाइयों के बीच में और दूरियां आ जाएं। जीजी माँ, बिट्टू, बिट्टू क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? चीची माँ, उन्हें पता चल गया कि आप नामकरण में आई थी। सब कुछ टूट गया चीची माँ, सब कुछ बिखर रहा है, कोई उम्मीद नहीं है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा सिंगापुर के क्लाइंट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिलेगा, वो भी आज के दिन। कोई तुम्हारे लिए बहुत लकी हो। तूने बिल्कुल सही कहा बेटा, जब से बच्चा हमारी जिंदगी में आया है हमारी किस्मत ही खुल गई है। मैम, मिस्टर ज्ञान मेहरा है। ज्ञान मेहरा, बुलाओ उन्हें। सो यू रेडी? किस्मत का पिटारा खुलने वाला है मैम। बता इसमें क्या है? ये तो खाली डिब्बा है। सच में इसमें कुछ नहीं है? देख तो। कुछ भी नहीं है चीची माँ। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है तब भी कुछ उम्मीद बाकी होती है बिट्टू, और माँ इसे उम्मीद का डब्बा कहती थी। कोई भी डब्बा बिल्कुल खाली कभी नहीं होता बेटा। अच्छा, तो इसमें क्या है? इसमें उम्मीद है। उम्मीद? वो क्या होती है? उम्मीद हवा की तरह होती है, वो ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है, मगर हम उम्मीद से कुछ भी कर सकते हैं। हम भी इसी उम्मीद के सहारे हैं बिट्टू, इसे जिंदा रखना है अपने अंदर। सिर्फ श्रद्धा के भरोसे कुछ नहीं होता, सब्र भी होना चाहिए कि आज नहीं तो कल लड्डू गोपाल सब कुछ ठीक कर देंगे। मिस्टर मेहरा, मिसेस रावत। इनका नाम तो बहुत सुना है, एक दो बार पार्टी में मुलाकात भी हुई, पर लास्ट टाइम मेरे दोस्त मिस्टर चंग का प्रोजेक्ट जिन्होंने हैंडल किया था वो कोई और मिसेस रावत। फिक्र मत करिए मिस्टर मेहरा, इस बार भी आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से संभाला जाएगा। आप ये प्रेजेंटेशन देखिए,
समझ नहीं रहे मिस्टर विधान, बात भरोसे की है। मिस्टर चंग ने मुझसे खुद कहा था कि मिसेस रावत ने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया था। ये प्रोजेक्ट भी उनके सिवा कोई और डील नहीं कर सकता। मिस्टर मेहरा, मैं आपको गारंटी देती हूँ, मेरा बेटा विधान आपकी मिसेस रावत से भी ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह से संभालेगा। पर ये वो नहीं जिनके बारे में मिस्टर चंग कह रहे थे। क्या नाम था उनका पूरा? हाँ, मिसेस फाल्गुनी रावत। कहाँ है वो? वो अब हमारे साथ काम नहीं करती, और मैंने इसे पहले भी आपको कहा, आपका प्रोजेक्ट मेरा बेटा विधान बहुत अच्छी तरह से संभालेगा। मेरा बेटा विधान आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। इट्स वेरी गुड। कुछ कर दीजिए लड्डू गोपाल, मुझे अपनी बहन और अपने गोविंद के पास रहने का मौका दीजिए। मेरे लिए 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और मैं सिर्फ और सिर्फ मिसेस फाल्गुनी रावत से ही मिलना चाहूंगा। मैं एक दिन और हूँ यहाँ पे, कल रात को मेरी सिंगापुर की फ्लाइट है। अगर तब तक आप लोग मेरी मिसेस फाल्गुनी रावत से मीटिंग करवा देते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मुझे ये प्रोजेक्ट किसी और के पास ले जाना होगा। थैंक यू। क्या बकवास है, अब जो बिजनेस के लिए उस फाल्गुनी के? नहीं मॉम, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मॉम, पर जब रास्ते में रुकावट आती है तो बगल से रास्ता बनाना पड़ता है। क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी तो समझ है ना मॉम हमें, कि बिजनेस के मामलों में पर्सनल मामलों को हम नहीं लाते। मैं जाऊंगा फाल्गुनी से बात करने, वो मना नहीं करेगी। कोई जरूरत नहीं है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे विधान, ये सब मॉम उन्हें कमीशन दे देंगे, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? मॉम मैं संभालूंगा। विधान मॉम प्लीज, विधान हम फाल्गुनी नहीं, विधान विधान लड्डू गोपाल हमारी अर्जी जरूर सुनेंगे बिट्टू, तू देख लेना। ये उम्मीद का दिया हम कभी नहीं बुझने देंगे। कुछ बात करनी थी। अनजान लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है फाल्गुनी। सुरेश, एक बार सुन तो लेते हैं कि विधान को क्या कहना है। बोलो विधान। आपको याद है कि एक सिंगापुर का क्लाइंट आया था, इसका प्रोजेक्ट आपने हैंडल किया था? हाँ, सिंचंग। उसका ही एक दोस्त और बिजनेस पार्टनर मिस्टर ज्ञान मेहरा वैसा ही एक प्रोजेक्ट लेकर आए, और वो चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट आप हैंडल करें, रावत इंडस्ट्रीज की तरफ से आप सारी बातें करें। सुन लिया फाल्गुनी, ये यहां अपनी भाभी मां से मिलने नहीं आया है, ये अपने फायदे की बात करने आया है। उस इंसान से मिलने आया है जिसकी वजह से कंपनी को 50 करोड़ का फायदा हुआ। जो इंसान कल तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला रहा था आज आप करके बोल रहा है। चलो यहां से, इन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं, तुम बिना बात की इनकी परेशानी में परेशान होती हो, ये लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। फायदा दोनों का होगा, रावत इंडस्ट्रीज के लिए ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगर नहीं मिला तो नुकसान होगा। मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजर की फीस दूंगा, साथ में कमीशन भी,
माफी मांगने के बजाय पैसों की बात करने आया है। हमें यहां खरीदने आया है। 3% कमीशन। मैं जानती हूं आपका गुस्सा जायज है सुरेश, पर एक बार मुझे विधान से बात करने दीजिए प्लीज, एक बार। प्रोजेक्ट मैनेजर की फीस और 3% कमीशन काफी नहीं है। 5% मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ, मैं और सुयश दोनों रावत मेंशन में वापस आकर रहना चाहते। सबके साथ बोलिए। ओ छोटू, पता नहीं इस मनहूस बच्चे का चेहरा कब तक देखना पड़ेगा। विधाने से लकी कहता है सिंगापुर का कॉन्ट्रैक्ट तो आया नहीं अभी तक हाथ में। रुको, जीजी मां, बड़ी मोटी चमड़ी की हो तुम दोनों, इतना लथाड़ा फिर भी मेरी चौखट पे आके खड़े हो गए। हम यहाँ रहने आए सासू। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें रहने दूंगी इस घर में? इस बार आप हमें इस घर से निकाल भी नहीं पाएंगे। मैंने जो तुम लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी वो वापस लेके लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अभी देर नहीं हुई है, अभी मैं तुम्हें पुलिस हिरासत में भेज सकती हूँ। फोन लगाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा सासू माँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपका जोश आपको खुद जेल पहुंचा दे। तुम्हारी ये हिम्मत, किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? आपको कोई और भाषा समझ में भी तो नहीं आती, क्या करें? बदतमीज, ना तो मैं आपका ये उठा हुआ हाथ बर्दाश्त करूंगी और ना ही आपके जुबान से निकली हुई कड़वी बातें। ये बात आप गांठ बांध लीजिए सासू मां। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बदले हुए तेवर देख के मैं डर जाऊंगी? उत्तरा देवी रावत हूं मैं, खड़े खड़े फेंक दूंगी तुम्हें यहां से। किसकी इजाजत से इस घर में आ गए तुम दोनों? इन्हें मैं लेकर आया हूं। तुम
की बातों में आ गए वेदांत बेटा, भूल गए इन दोनों ने तुम्हारे बच्चे के साथ। मॉम मॉम, मैं यहाँ इन्हें सिर्फ सिंगापुर वाली डील के लिए लाया। सिंगापुर वाले क्लाइंट्स का कहना था कि उन्हें सिर्फ फाल्गुनी रावत के साथ डील करनी है। ठीक है, फाल्गुनी रावत ही ये डील हैंडल करेंगी, और जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता है तब तक ये दोनों यहाँ रहेंगे।